हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग बॉम्बे यानी कि मुंबई यात्रा दर्शन में जाएंगे। तो चलिए जरा बॉम्बे की सैर करके आते हैं। अध्याय 11, मुंबई माया नगरी की यात्रा, यात्रा वृतांत, अध्ययन से पूर्व। क्या तुम जानते हो फिल्में कहाँ बनती हैं? तो लड़की बोलती है, हाँ सुना है, माया नगरी में। ये माया नगरी हमारे भारत में है या किसी और देश में? यात्रा वृतांत का मूल तत्व, मुंबई के दर्शनीय स्थलों के साथ साथ ऐतिहासिक परिदृश्य की झलक से बच्चों को अवगत कराना। तो जो बॉम्बे में यानी मुंबई में जो भी दार्शनिक स्थल है यानी देखने लायक जगह है और जो ऐतिहासिक जो इतिहास के परिदृश्य है उनकी झलक से आप लोगों को अवगत कराना, आप लोगों को उनके बारे में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं और मेरा प्रिय मित्र मुंबई की भ्रमण यात्रा पर निकले हैं। आज सुबह से ही हम दोनों उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि मुंबई में फिल्म और फिल्मी कलाकारों के अलावा और क्या क्या देखने योग्य है। इसलिए हम दोनों टैक्सी गाइड के माध्यम से मुंबई के दर्शनीय स्थल और इसका इतिहास जानेंगे। टैक्सी ड्राइवर ने हमें बताया कि भारत का प्रमुख शहर मुंबई का यह नाम इस नगर के अधिष्ठात्री देवी मुंबा देवी के नाम पर पड़ा, क्योंकि मुंबा देवी का मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण भी है। मुंबा देवी के अतिरिक्त ठीक उन्हीं के सामने श्री कृष्ण जी की दूसरी तरफ गणेश जी और हनुमान जी का एक नया विशाल मंदिर निर्मित हुआ है, जहां दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है, पर प्रधानता अभी भी मुंबा देवी की ही है। टैक्सी ड्राइवर ने हमें मुंबई के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया कि अंग्रेजों को शहरों कस्बों के नाम बिगाड़ने का बहुत शौक था। वे अपने उच्चारण की सुविधा के लिए नाम बदल देते थे, जैसे कि दिल्ली को उन्होंने दहली, कालकट को उन्होंने कलकत्ता, इसी तरह मुंबई को बम्बे या बम्बई कहना शुरू कर दिया। यह बम्बई नाम हाल तक रहा, परंतु महाराष्ट्र सरकार ने अंततः इसका प्राचीन नाम मुंबई दिलवाया, जो केंद्र सरकार की सहमति से संभव हुआ। मुंबई आज देश के सबसे बड़े महानगरों में से एक है, क्योंकि यहाँ वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से बाहरी देशों से आने वाले अधिकांश पानी के जहाज द्वारा आयात निर्यात का व्यापार होता है। हवाई जहाजों के उतरने चढ़ने का यही सर्वाधिक सुविधाजनक और प्रिय स्थान है। सबसे बड़ी बात है कि यह भारत की फिल्मी राजधानी है। अमेरिका के हॉलीवुड की तर्ज पर इसे भारत का बॉलीवुड कहा जाने लगा, जहां जितनी फिल्में बनती हैं उतनी देश के किसी नगर में नहीं। पहले चेन्नई से इसकी प्रतियोगिता थी, पर अब समाप्त हो गई। अब फिल्मी दुनिया का यह बेताज बादशाह है। फिल्मी नगरी होने के कारण यह शहर बहुत ही फैशनेबल बन गया है। यहाँ समाज के हर दर्जे की उन्मुखता देखने को मिलती है। यहाँ की पोशाक व वेशभूषा फैशनेबल और आकर्षक है। मुंबई को उसकी तड़क भड़क यानी फिर ग्लैमर के कारण माया नगरी कहते हैं। एक नौजवान यहाँ या नौनुक्ती मुंबई जाए तो फिर उसके लिए वहाँ की माया को काट कर बाहर आना कठिन हो जाता है। यहाँ ना जाने कितने लोग फिल्मों में भाग्य आजमाने के लिए आते हैं। ये भूखे पेट फुटपाथों पर सोकर भी संघर्ष करते हैं, परंतु सफलता तो कम को ही मिलती है। अधिकांश वापस लौटने के बदले आधा पेट खाकर यहाँ जीवन काट देते हैं, और कुछ बुद्धिमान लोग फिल्म के अन्य छोटे मोटे कामों में आ जाते हैं, होटलों रेस्टोरेंट में वेटर और नौकर बन जाते हैं, पर होकर रहते हैं मुंबई के ही। यही है इस माया नगरी की मायावी आकर्षण। व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो यह देश की धड़कन है। यहाँ का शेयर बाजार विश्व प्रसिद्ध है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ शेयरों के चढ़ते उतरते भाव देश की अर्थव्यवस्था को प्रमाणित करते रहते हैं। कितनों को अरबपति बना देते हैं तो कितनों को पाई पाई का मोहताज कर दिवालिया बना देते हैं। मुंबई भारत आयात निर्यात का केंद्र है।
यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके पश्चात ही चेन्नई या कोलकाता या विशाखापट्टनम आदि का स्थान आता है। मुंबई शहर एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये है उसकी कई मंजिलें, आकाश छूते गगन आकार पेपेंडिकुलर भवन, जिन्हें स्काई स्कैप्स कहते हैं। ऐसे भवन मुंबई में जितने हैं उतने भारत के किसी और नगर में नहीं हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि मुंबई एक टापू पर बसा है, इसका क्षेत्रफल अधिक नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है, पर इस अनुपात में मकान नहीं बन सकते। इसी कारण मुंबई आकाश में धरती तलाशती है, जो हो इन स्काई स्कॉर्पो में मुंबई के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। उसके आसमान को आच्छादित करते ये गगनस्पर्शी महल हमारे मन को मोह लेते हैं। मुंबई आज एक शहर मात्र है, किंतु पहले यह एक विस्तृत राज्य था। अंग्रेजों के काल में बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तट का सारा उत्तरी भाग सिंध, मालवा और गुजरात सम्मिलित था। मुंबई देश का मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रतीक के रूप में सागर तीर पर एक महाद्वार भी निर्मित है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई बंदरगाह 18.55 उत्तरी अक्षांश और 72.54 पूर्वी दिशांतर रेखा पर अरब सागर में स्थित है। बंदरगाह की भव्यता और महत्ता अंग्रेजों की देन है। इसके पूर्व यह दलदलों, खाइयों और चट्टानों से पटा था। नगर का वर्तमान भूमि बंदरगाह तथा आसपास के भूभाग पर पुर्तगाली सेनापति अल बुबर्क का अधिकार सन 1510 से ही था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विभाजन सन 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में इस बंदरगाह को भी उन्हें दे दिया। इसकी खस्ता हालत देखकर चार्ल्स द्वितीय ने इसे तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में केवल 10 पौंड सालाना किराया पर दे दिया। इसके परिकृष्ट रूप का श्रेय मुंबई प्रेसिडेंसी के तत्कालीन गवर्नर जिरालैंड अंगारिया को जाता है। 1669 से 1677 तक प्राय 9 वर्षों तक उसने गवर्नर के पद को संभाला और इसी दौरान बंदरगाह और नगर का विकास किया गया। अब यह एक अत्यंत समृद्ध नगर बन गया और सूरत, जो इससे पूर्व अंग्रेजों का मुख्य व्यवसाय नगर था, वो पीछे पड़ गया। अब बंबई नगर ही अंग्रेज व्यवसायियों का प्रमुख व्यवसाय स्थल बन गया है। मुंबई यानी कि बंबई, बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे की लाइनें सन 1864 में बिछर कर पूरी हुई तथा उसके वर्षों बाद जब स्वेज नहर चालू हुई तो बंबई बंदरगाह का महत्व सहसा बहुत बढ़ गया। यूरोप से पूर्व की ओर जाने वाले छोटे बड़े जलयानों के रुकने योग्य यह प्रथम बंदरगाह था। भारत से इसे व्यापार तो पश्चिमी देशों ने इस बंदरगाह के द्वारा ही किया। सुदूर पूर्व के देशों में भी यहाँ पर रुक कर कोयला, पानी लेकर यूरोपिया जलपोत जाने लगे थे। तो बच्चों, आपने इसमें देखा कि कैसे अंग्रेजों ने बंबई का नाम बदलकर बंबई कर दिया, कैसे मुंबई शहर एक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, कैसे इंग्लैंड ने, इंग्लैंड के जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने कैसे मैथिलीन से शादी करी। अब मुंबई के वर्तमान रूप में आने की कहानी अभी शेष है। जैसे पहले कहा गया है, बंबई प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र और गुजरात सम्मिलित थे और अंग्रेज इसे उसी रूप में छोड़कर गए। तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि आजादी के बाद जब 1960 से 70 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन आरंभ हुआ था, तो बंबई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात दो भागों में विभक्त कर दिया गया। बंबई अब केवल एक शहर रह गया है। महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में मुंबई केवल फिल्मी नगरी ही नहीं, सूती वस्त्रों का निर्माता भी है। महाराष्ट्र में कपास पर्याप्त होती है, इसलिए मुंबई का कपड़ा मिलों को फूलने फलने का अवसर मिलता है। मुंबई को समृद्ध बनाने में पारसी व्यवसायियों का प्रमुख योगदान है। बंबई या मुंबई के स्वतंत्रता आंदोलन में भी पर्याप्त योगदान रहा है। यह कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है।
कि कांग्रेस, जिसने अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसका प्रथम अधिवेशन सन 1885 में बंबई में ही संपन्न हुआ। यह बात और है कि गांधी जी उस समय तक कांग्रेस से नहीं जुड़े थे। मुंबई के संबंध में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं हो तो उसकी कहानी अधूरी ही रह जाएगी। सन 1896 में यहाँ भीषण प्लेग फैला, जिसकी चपेट में पूना तक आ गया। तो बच्चों, प्लेग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जो चूहो से फैली थी। चूहो, जहाँ पे चूहे होते थे, अगर वहाँ कोई व्यक्ति है तो उन्हें प्लेग की बीमारी होने की संभावना थी। और प्लेग की बीमारी इतनी खतरनाक, इतने बुरे तरीके से फैली कि पूरा देश, पूरा भारत वर्ष इन्हें बंद करना पड़ा था। एक कुछ को छूने से दूसरे को भी वो बीमारी होने लगी थी। तो तब तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाए थे। रोगियों को तो उस नगर से ही बाहर किया ही, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी साधारण संदेह के आधार पर ही बाहर कर दिया। अस्पष्टतः अंग्रेजों ने अपने प्राणों का भय था, और छूत वाली इस बीमारी से भयभीत होकर वे ऐसे कड़े कदम उठा रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक उस समय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे। अंग्रेजों की क्रूरता के विरुद्ध उन्होंने जोरदार आंदोलन चलाया, यहाँ तक कि अपनी लोकप्रिय पत्रिका केसरी में उन्होंने इसके विरुद्ध आग उगलती टिप्पणियां भी की। अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। तिलक के इस कार्य ने राजनीतिक क्षेत्र में उनका रुतबा बहुत बढ़ा दिया। तो बच्चों, ये था बंबई नगर, कैसे बॉम्बे को, यानी मुंबई को, इन्होंने बॉम्बे बना दिया, कैसे इसे माया नगरी का नाम पड़ा, कैसे लोग बॉम्बे आकर, यानी मुंबई आकर, कैसे इसके माया जाल में फंस जाते हैं। कुछ 1% ही लोग होते हैं जो यहाँ पर आकर वापस अपने अपने शहर जाकर अपने अपने कार्यों में लगते हैं, वरना लोग यहाँ पर फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने तो आते ही हैं, लेकिन अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में नौकरी कर, स्कूल में चपरासी की, ऑफिस में चपरासी की नौकरी कर भी अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन बॉम्बे यानी मुंबई शहर से बाहर नहीं जाते। तो ये है माया नगरी का माया। तो चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, गगन स्पर्शी मतलब आकाश को छूने वाली, समृद्ध मतलब खुशहाल, अधिष्ठात्री मतलब स्थापना करने वाली, सहमति मतलब मंजूरी, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, राजद्रोह मतलब राज्य से द्रोह करना, सम्मिलित मतलब मिले हुए, उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। आच्छादित उन्मुक्तता, परिष्कृत तत्कालीन, ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था, दिवालिया। तो बच्चों, जो यात्रा वृत्तांत आप लोगों ने पढ़ा, अब हम इस यात्रा वृत्तांत का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इसका अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर पाठ में से ढूंढ कर इनके सही सही उत्तर बोल कर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मुंबई को बंबई नाम किसने दिया? वेरी गुड। तो बच्चों, मुंबई को बंबई नाम अंग्रेजों ने दिया। ख, मुंबई शहर किस पर बसा हुआ है? तो मुंबई शहर बच्चों एक टापू पर बसा हुआ है। गा, मुंबई को भारत का क्या कहा जाने लगा है? वेरी गुड, मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाने लगा है।
घा मुंबई किस देवी के नाम पर बसा शहर है? मुंबा देवी। वेरी गुड। मुंबा देवी के नाम पर मुंबई शहर बसा हुआ है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, भारत का बॉलीवुड किसे और क्यों कहा जाने लगा? तो बच्चों, भारत का बॉलीवुड मुंबई शहर को कहा गया है। अमेरिका के हॉलीवुड से प्रेरित होके मुंबई के बॉलीवुड, क्योंकि वहां पर फैशन ग्लैमर की दुनिया है, माया की दुनिया है, इसलिए उसे बॉलीवुड की दुनिया कहा गया है। ख, मुंबई का प्रवेश द्वार किसे और क्यों कहते हैं? वेरी गुड। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रवेश द्वार है और ये मुंबई शहर का प्रमुख द्वार है, इसीलिए इसे मुंबई का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ग, स्काई स्क्रेपर्स इमारतों का क्या अर्थ है? तो बच्चों, स्काई स्क्रेपर्स जो मुंबई शहर में धरती पर खोजती गगनचुंबी यानी कि आकाश को छूने वाली जो इमारतें होती हैं, उन्हें स्काई स्क्रेपर्स इमारतें कहते हैं। घ, मुंबई को माया नगरी क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, मुंबई को माया नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी व्यक्ति मुंबई जैसे शहर में आ जाता है तो वो उसकी चकाचौंध से, उसकी माया से खुश होकर, उसकी माया में खोकर वहीं बस जाता है। वो भले ही फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि फिल्मों की दुनिया में कार्य ना कर पाए, लेकिन वहीं पर वो अपना कोई भी कार्य शुरू कर कोई भी कार्य कर अपना जीवन यापन करता है, इसलिए मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न तीन। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ इस बॉक्स में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़कर दिए गए रिक्त स्थान पर आपको इन शब्दों को भर के ये वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, मुंबई का सबसे ज्यादा क्या प्रसिद्ध है? मुंबई का शेयर बाजार विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, फिल्मी नगरी होने के कारण यहाँ बहुत ही फैशनेबल बन गया है। क्या बन गया है? फैशनेबल। गा, मुंबई भारतीय डैश का एक केंद्र है। किस चीज का केंद्र है? वेरी गुड। आयात निर्यात। घा, मुंबई एक, वेरी गुड, टापू पर बसा है। अगला प्रश्न है प्रश्न चार। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, आपको इन प्रश्नों को पढ़कर इन प्रश्नों के जो चार विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, भारत की माया नगरी कहाँ है? चेन्नई, गुजरात, मुंबई या दिल्ली? वेरी गुड, भारत की माया नगरी मुंबई में है। हाँ, मुंबई देश का सबसे बड़ा डैश है। बंदरगाह, टापू, सरकारी केंद्र या फिर भवन? तो बच्चों, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है ग, मुंबई केवल फिल्मी नगरी ही नहीं बल्कि डैश निर्माता भी है। कागज का निर्माता, सूती वस्त्रों का, कोयले का या साड़ियों का? किसका है? वेरी गुड, सूती वस्त्रों का। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न पांच, मुंबई का स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से योगदान रहा है? अपनी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। तो मुंबई शहर एक बहुत ही बड़ा शहर है, तो इस शहर का हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस आंदोलन में इस शहर का क्या योगदान रहा है?
इसके बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और इसका जवाब दिए गए स्थान पर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। मुंबई नगर की वह कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण वहां जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहीं का ही होकर रह जाता है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि बच्चों हमने 5 में पढ़ा कि वो एक माया नगरी है, मतलब माया की नगरी। वहां पर लोग इतने ग्लैमरस हैं, इतने फैशनेबल हैं कि वहां पर जो भी लोग जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति वहीं का ही होकर रह जाता है, चाहे वो फिल्मों की दुनिया का है या फिर नहीं। तो आपको बताना है कि और कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, इसका जवाब आप अपने अपने शब्दों में खुद स्पष्ट करेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों को दो भागों में बांटकर लिखना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का महाराष्ट्र, मतलब महाजमा राष्ट्र। खा सुविधा जनक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, सुविधा जमा जनक। ग राजकुमारी, राज जमा कुमारी। ख माया नगरी, माया जमा नगरी। ल बंदरगाह, बंदर जमा घा बंदरगाह। च गगनाकार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, गगन जमा आकार गगनाकार। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चों यहाँ जो आपको शब्द दिए गए हैं इनका मूल शब्द अलग करके आपको इनमें से प्रत्यय छांट कर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क व्यापारी, तो इसका मूल शब्द होगा व्यापार जमा ई। ख सहमति, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? वेरी गुड, सहमत जमा ई। ग प्रमाणित, प्रमाण जमा इत, प्रमाणित। घ प्रधानता, प्रधान जमा ता, प्रधानता। ल सफलता, वेरी गुड, सफल जमा ता, सफलता। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क गगन चुंबी, मतलब धरा। भूमि। ख आयात, वेरी गुड, निर्यात। गा जीवन, मृत्यु। घ सफलता, इसका होगा अ सफलता। ल आरंभ, मतलब शुरुआत होना, इसका विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड, अंत। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, यानी पुरुष जाति के शब्द, आपको इसे स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति में बदल कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क देव, देवी। ख युवक,
वेरी गुड। युवती ग नौकर, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? नौक रानी। घ पुरुष, स्त्री। ल नेता, तो बच्चों नेता एक पर्टिकुलर ऐसा शब्द है जो आप पुल्लिंग यानी पुरुष जाति के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और स्त्री जाति के लिए, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी नेता ही लिखा जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके वचन एक वचन या बहुवचन में है, आपको उनको पढ़कर पहचानना है कि वो एक वचन में है या बहुवचन में, और फिर उसके वचन के अनुसार उसको दूसरे वचन में बदल कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क देवी, इसका बहुवचन क्या होगा? देवियां। ख अंग्रेज, अंग्रेजों। ग दर्शकों, इसका क्या वचन होगा? दर्शक। घ पत्रिका, पत्रिकाएं। ल चट्टान, इसका बहुवचन होगा चट्टाने। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ जो आपको शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य निर्माण यानी वाक्य बनाकर इन शब्दों को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क बंदरगाह, तो बच्चों बंदरगाह से हम वाक्य बनाएंगे। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह वाला केंद्र है। ख नगरी, मुंबई एक माया नगरी है। घ माया जाल, माया जाल, माया जाल से हम वाक्य बनाएंगे। मुंबई एक माया जाल का शहर है। घ आधुनिक, आधुनिक से क्या वाक्य बनाएंगे हम? आधुनिक से हम वाक्य बनाएंगे भारत आधुनिक युग से आयात निर्यात कर रहा है। आयात निर्यात, इससे हम क्या वाक्य बनाएंगे? वेरी गुड। तो बच्चों हम इससे बनाएंगे मुंबई आयात निर्यात का केंद्र है। तो यह थे वो शब्द जिनसे हमने ये वाक्य बनाए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13, दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचान कर लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ कुछ ये वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि यह अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क माँ कुर्सी पर बैठी है, यह कौन सी क्रिया है? वेरी गुड, ये है सकर्मक क्रिया। ख पेड़ लहलहा रहा है, यह है कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ग बड़े भैया पढ़ते रहते थे, यह है सकर्मक क्रिया। घ बच्चों को दूध पिलाओ, ये कौन सी क्रिया है? वेरी गुड, ये भी है सकर्मक क्रिया।
बिजली चमकी, ये कौन सी क्रिया है? वेरी गुड, ये है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 14, दिए गए वाक्यों में सात प्रयुक्त संबोध बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको जो वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को छांटना है। इन शब्दों को छांटकर इन वाक्यों में से लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क, मेरे साथ मत चलो, इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? वेरी गुड, साथ। तो हम साथ यहाँ लिखेंगे। पापा के बगैर कैसे रहेंगे, इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के। ग, मेरे घर के सामने होटल है, इसमें से संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के। वेरी गुड, तो हम के यहाँ लिखेंगे। घ, मुझे ऋतिक के बारे में पता करना है, इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के। तो हम यहाँ लिखेंगे के। ल, मेरे साथ माया नगरी मत चलना, इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? वेरी गुड, साथ। तो हम साथ को यहाँ लिखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 15, मुंबई नगर की तरह ही दिल्ली शहर भी अपनी विशेषताओं के लिए विश्वविख्यात है। अपने मित्र को डायरी लेखन के द्वारा दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो बच्चों, जैसे मुंबई नगर वह अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात है, ऐसे दिल्ली शहर भी अपनी विशेषता के लिए विख्यात है। आप अपने मित्र को एक डायरी लेखन के द्वारा दिल्ली की विशेषताओं के बारे में बताइए कि दिल्ली में क्या खास है, क्या खाना अच्छा है, क्या घूमने की जगह अच्छी है, दिल्ली की सबसे अच्छी विशेषता क्या है। प्रश्न 16, दिए गए चित्र वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है, पता है किस चीज का? मरीन ड्राइव का दृश्य, यह आपको एक मरीन ड्राइव का दृश्य दे रखा है। आपको इस चित्र का वर्णन देखना है, चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर समझना है और इसका आपको वर्णन अपने शब्दों में करना है कि आपको इस चित्र में क्या दिखाई दिया, क्या समझ आया। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 17, मुंबई से संबंधित चित्र पर गोला लगाते हुए उसका नाम भी लिखिए। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको गणेश भगवान की चित्र दिख रही है, ये लाल किले का चित्र है, ये एक बीच का चित्र है, ये बुलंद दरवाजे का चित्र है और ये कोलकाता के एक रोड का दृश्य है। तो बच्चों, इसमें से आप पहचानिए कि मुंबई से संबंधित कौन सा चित्र है और उस पर गोला लगाकर उसका नाम भी लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 18, मानव का मूल्य हर प्रकार की माया से अधिक होता है, आपके लिए मनुष्य तत्व जीवन कितना मूल्यवान है, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो जो मानव जाति होती है, मानव का मूल्य होता है वो हर प्रकार की माया से अधिक होता है, हर प्रकार से वो बड़ा होता है। क्या आपके लिए मनुष्यत्व जीवन कितना मूल्यवान है, इसके बारे में आप अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए और इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ अच्छा लगा होगा और बहुत जानकारी पूर्वक भी रहा होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।